नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में अपने बयान के जरिए सुर्खियां बटोरने वाले पहले आम आदमी पार्टी में रहे और बाद में बीजेपी के नेता हुए कपिल मिश्रा का अब एक और बयान वायरल हो रहा है। दिल्ली में शाहीन बाग के अलावा खिजराबाद कॉलोनी में भी इन दिन प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन के लिए कई सारे लोग सड़क पर जुटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। कपिल मिश्रा यहाँ लोगों से मिलने पहुंचे थे, उनके साथ दिल्ली पुलिस के डीसीपी भी मौजूद थे, लेकिन यहाँ कपिल मिश्रा ने कुछ ऐसा कह दिया जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। कपिल मिश्रा ने सिर्फ ट्रंप के दौरे तक रुकने की बात कही है, इसके बाद लोगों को वहाँ से हटाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा, ये कपिल मिश्रा अपने इस बयान में कहते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का वो बयान जो ट्विटर से लगाकर हर सोशल मीडिया साइट पर अब वायरल हो रहा है। इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा दीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं, उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। तो ये वो बयान है जो कपिल मिश्रा ने पुलिस की मौजूदगी में दिया है और कपिल मिश्रा का साफ तौर पर कहना है कि यदि ट्रंप के जाने के बाद ये लोग यहाँ से नहीं उठे तो इन्हें उठाने के लिए फिर हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे, हम इन्हें उठाने के लिए जो रास्ता हो सकता है वो अपनाएंगे। कपिल मिश्रा जो ना जनप्रतिनिधि हैं, ना सांसद हैं, ना विधायक हैं और ना ही सरकार की तरफ से लोगों को समझाने के लिए भेजे गए थे, लेकिन जब लोगों से मिले तो उन्हें अपने उसी अंदाज में लोगों से बातचीत की जिसके लिए हमेशा वे विवादों में रहते हैं। कपिल मिश्रा के इस बयान पर क्या बीजेपी कोई कार्रवाई करती है ये भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल कपिल मिश्रा का ये बयान और लोगों के साथ इस तरह का रवैया कितना सही है और कितना गलत है इसे लेकर किसी भी जिम्मेदार का कोई बयान नहीं आया है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।